हरियाणा का युवा अब बदलाव मांग रहा है। 25 लाख युवा त्राही त्राही कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है हरियाणा में नौकरियों के लिए। इससे पहले मुझे नहीं याद आता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसी स्थिति हुई हो। इसलिए हरियाणा का युवा अब तैयार है कि अगर उनके लिए रोजगार नहीं तो फिर खट्टर सरकार नहीं। और हरियाणा के युवा ने यह ठान लिया है कि इस बार बदलाव की राह वो पकड़ेंगे। हरियाणा के युवाओं की इसी आवाज को बुलंद करने के लिए, इसी बदलाव की जो आगाज है उसको बुलंद करने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी 28 जनवरी को बदलाव महासभा करने के लिए जींद में आ रहे हैं। माननीय भगवंत मान जी भी उनके साथ होंगे, जो बताएंगे कि कैसे पंजाब में उनकी सरकार आने के बाद से 40,000 से ज्यादा नौकरियां कामयाबी के साथ, कोर्ट के अंदर कोई मामला नहीं गया, कोई परीक्षा स्थगित नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ और कामयाबी के साथ 40,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां भगवंत मान सरकार पंजाब में दे चुकी है। तो साथ लगते हुए हरियाणा में क्या आफत आई हुई है, क्या परेशानी है कि हरियाणा की सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। इसलिए इन सारी चीजों को सरकार के सामने बुलंद आवाज में उठाने के लिए और हरियाणा के युवाओं की आवाज जो आज बदलाव की आवाज है उसको मजबूत करने के लिए 28 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने बदलाव महासभा का आयोजन जींद के अंदर किया है। हम सभी युवाओं से आग्रह करते हैं, पूरे हरियाणा में जहां भी वो मेरी आवाज सुन रहे हो, आप सबके भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी डट के खड़ी है। आम आदमी पार्टी आपको रोजगार देना चाहती है, हरियाणा का सुनहरा भविष्य बनाना चाहती है। आप सभी आमंत्रित हैं 28 जनवरी को बदलाव की इस आवाज को मजबूत करने के लिए जींद पहुंचिए। और पहली ऐसी महासभा होने जा रही है जहां मिनी हरियाणा जींद के अंदर इकट्ठा होगा, जहां पर हरियाणा के एक एक गांव से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग पहुंचेंगे। यानी इस पूरी महासभा के अंदर पूरे हरियाणा की राय शुमारी होगी, पूरे हरियाणा की कॉन्शियस इसके अंदर शामिल होगी। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जब अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी बदलाव महासभा में आएंगे तो हरियाणा के अंदर बदलाव की एक मजबूत शुरुआत होगी और वहीं से हरियाणा के युवाओं का नया भविष्य, सुनहरा भविष्य लिखने की शुरुआत भी होगी। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है यह आसान रास्ता नहीं है। जब हम अरविंद केजरीवाल जी से हरियाणा के बारे में चर्चा करते थे तो अरविंद केजरीवाल जी हमें हमेशा ये कहते थे कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तश्तरी में रख के सरकार दे देगी आपको, आपको तोड़ा जाएगा, आपके खिलाफ साजिशें होंगी, आपके खिलाफ अत्याचार होंगे। लेकिन उन सब संघर्षों को, उस कठिन रास्ते को, उस कांटों भरे रास्ते को जो झेल सकता है, जो उसके ऊपर चल सकता है, वही इस बदलाव को सुनिश्चित कर सकता है। जिन साथियों में वो हिम्मत नहीं, वो दम नहीं कि वो इस संघर्ष के रास्ते पे अंत तक, मंजिल तक साथ चल सके, वो कुछ साथी बीच में अपना निर्णय लेते हैं, कुछ बीजेपी के सामने घुटने टेक देते हैं, कुछ अपना रास्ता बदल लेते हैं। उन सब के निर्णय का स्वागत है, उनको मुबारक। लेकिन हम तो सर पे कफन बांध के हरियाणा के अंदर हरियाणा के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए बदलाव का एक रास्ता लेकर चले हैं और जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचते ये रास्ता जारी रहेगा। जिनके मन में शंका है कि कुछ दो चार लीडर्स के इधर उधर चले जाने से आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई, मैं उनकी शंका को दूर करते हुए ये बता दूं, आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मजबूत कंधों के ऊपर खड़ी हुई पार्टी है। 1.5 लाख से ज्यादा आइडेंटिटी कार्ड होल्डर आज के दिन में आम आदमी पार्टी के हैं और फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई जंजाल रह जाए, कोई शक शुबा रह जाए तो 28 जनवरी को वो सारे दिमाग के जाले हटा देंगे। जींद के अंदर आप ऐसी महासभा देखेंगे जैसी हरियाणा के 57 साल के इतिहास में किसी पार्टी ने आज तक नहीं की। देखिए, धर्म, आपने कहा कि बीजेपी के मुद्दों को हड़पना चाहते हैं, धर्म किसी की बपौती नहीं है। हम सब बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से धर्म कर्म के अपने परिवार के अंदर सारे रीति रिवाजों को निभाते आ रहे हैं, सारे धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुंदरकांड पाठ आज से नहीं करा रही है, सालों से सुंदरकांड पाठ आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भी और अपनी विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न कार्यालयों में हम लगातार कराते रहे हैं। जहां तक आपने जिस संदर्भ में यह सवाल पूछा है तो मैं उस संदर्भ में आपको बता दूं कि ये तो सबके लिए सौभाग्य की बात है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्री राम जी से, उनके आदर्शों से हम सबको सीखने की जरूरत है। और सही मायने में अगर आप देखें तो राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब यही था कि जिस राज्य के अंदर सारी प्रजा सुखी हो,
सबको मूलभूत सुविधाएं हो, किसी को भी भूखे पेट ना सोना पड़े। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली और पंजाब के अंदर राम राज्य की इसी अवधारणा के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। हमारे दोनों राज्यों के अंदर लोग खुशहाल हैं, हमारे दोनों राज्यों के अंदर कोई भूखे पेट नहीं सोता। जिसके पास घर नहीं है उसके लिए भी रैन बसेरे का इंतजाम है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी अच्छा इलाज करा सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है। ये राम राज्य की परिकल्पना ही है। हम भगवान राम के आदर्शों से सीखते हुए इस राम राज्य को और ज्यादा फैलाएंगे। भगवान चाहता है तो 2024 में हरियाणा में भी राम राज्य स्थापित होगा, जैसा दिल्ली और पंजाब के अंदर।